नमस्ते एवरीवन। पहचाना? अरे यार आपकी अनोखी तिलक मेहरा। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा लुक डिफरेंट है, कैरेक्टर डिफरेंट है, काफ़ी टाइम के बाद देख रहे हो ना। सो दिस एज यू कैन सी, अभी आजकल मैं एक नया शो कर रही हूँ, एक्चुअली वेब शो कर रही हूँ। और अभी जैसे आपने मुझे देखा था, बहुत ही चुलबुली और प्यारी सी एक कैरेक्टर में, आपकी बहू के रूप में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बहुत ही एक अलग किरदार में हूँ। I have become a cricketer. Yes. तो guys, अभी we are shooting for a new web show called Game of the Sexes. उसमें मैं भी एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो उसी रूप में अभी मैं हूँ। बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है यार जोआना का, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ अ कैथलिक गर्ल और मैं हिंदू हूँ, मतलब ऑफकोर्स नॉट बाई चॉइस बट अदरवाइज आई एम हिंदू। और मुझे काफ़ी चीज़ें हैं जो कैथलिक्स, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं जो करते हैं, जो मुझे पुट ऑन करना पड़ा था, जो मुझे नहीं पता था। तो एक तो ये डिफरेंस, और दूसरा कि ये बैट्समैन है और ये बहुत ही अच्छी प्लेयर है, स्टेट लेवल की प्लेयर है, तो वो सब चीज़ें कैरी करना इज़ रियली टफ। और बाकी आई डोंट नो हाउ मच आई कैन रिवील अबाउट द कैरेक्टर एज ऑफ नाउ, बट सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपेंड इन हर लाइफ विच मेड हर हियर लाइक इन अ मिक्स जेंडर लीग। मिक्स कैन आई टेल यू अबाउट द मिक्स जेंडर? ओके ओके, इट हैज़ ऑलरेडी बीन रिवील्ड। तो मिक्स जेंडर है जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ साथ में खेलते हैं, तो मैं भी उनमें से एक प्लेयर हूँ। यार मैंने बड़ी कन्विक्शन से अपने सर को बोल तो दिया था कि क्रिकेटर बनना है सर, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जहाँ मुझे पेन नहीं है? मुझे ये भी नहीं पता, यहाँ भी पार्ट होता है। मुझे इतनी पेन है हर जगह, बिकॉज हम 6 दिन पहले आ गए थे और हमने बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिहर्सल्स की हैं, प्रैक्टिस की है क्रिकेट की, जो मैंने कभी खेला ही नहीं था। और मुझे लगता था ये आसान होता है, बट नहीं बॉस, ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता है। तो बहुत लगी पड़ी है। और मुरादाबाद की ठंड, फर्स्ट टाइम मुरादाबाद में शूट हो रहा है, मतलब सीरियसली एक तो ठंड, ऊपर से सुबह हम 5 बजे उठ के आके यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो आई कांट इवन एक्सप्लेन द फीलिंग। बट अभी ऐसे लग रहा है कि नहीं यार, लाइक कर सकते हैं काफ़ी। और सब प्लेयर्स की स्पिरिट देख के, सबको एक्टर्स की स्पिरिट देख के लग रहा है कर सकते हैं। मेरे लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज फॉरगेट प्लेइंग, मैंने क्रिकेट ज़्यादा देखा भी नहीं है अपनी लाइफ में। तो मेरे लिए तो एक टास्क है, इट्स ए टास्क ऑल टुगेदर। और आज मेरे कुछ शॉट्स हुए हैं और सुना मैंने दूसरों से कि आप लग रहे हो थोड़ा बॉडी लैंग्वेज से, आई ट्राइड माई बेस्ट, पर आई डोंट नो, लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। गाइज, आपने मेरे सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मेरे इस कैरेक्टर को भी देखेंगे, सराहेंगे और बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। अभी पता तो नहीं है कब आने वाली है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मार्च में आ जाएगी, बट येस आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट।